हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर IG सिस्टम कंप्यूटर क्लासेस में। तो आज हम जानेंगे कि टैली के अंदर नया लेज़र कैसे क्रिएट किया जाता है और उसको मॉडिफाई कैसे किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है अपना, ठीक है। तो आज हम जानेंगे भी अपने नया लेज़र क्रिएट करना है हमने, तो हम वो नया लेज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने लेज़र बना लिया, उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, तो वो चेंजिंग कैसे कर सकते हैं, तो इसी के ऊपर आज का वीडियो रहेगा अपना। जिसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी टैली ओपन करनी है, जो अपनी कंपनी चल रही है उस कंपनी को ओपन करेंगे। अगर हमने नया लेज़र क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हमें जाना होगा मास्टर्स के अंदर, क्रिएट के अंदर। सभी को आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये ऑप्शन क्रिएट का, इस पर हमने क्या करना है, क्लिक करना है या एंटर करना है। अब ये हमारे से पूछ रहा है भी आपने बनाना है क्या है, भी ग्रुप क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करनी है, करेंसी, वाउचर टाइप, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, क्या क्रिएट करना है। तो हमें पता होना चाहिए भी हमने क्रिएट क्या चीज़ करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेजर बनाना। लेजर मीन्स मतलब भी कंपनी जिससे हम माल खरीदते हैं, जिसको माल बेचते हैं, ठीक है, यानी जिससे अपने लेन देन करते हैं सारा का सारा, चाहे बैंक का है चाहे कोई भी है, तो उस प्रकार के पार्टी के खातों को क्या बोला जाता है, लेजर बोला जाता है। तो हमने लेजर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सामने नेम लिखा रहा है भी नेम, आपको यहाँ पर उस बंदे का या उस पार्टी का नाम लिखना है जिससे आप लेन देन करना चाहते हो। तो हमारी जो कंपनी है बिल्कुल फ्रेश कंपनी है, अभी तक इसके अंदर कोई लेजर नहीं क्रिएट किया गया। अगर आप तक देखना चाहते हो इसमें लेजर क्रिएट है कि नहीं, तो यहाँ पे देखो अभी तक लिखा रहा है नो वाउचर एंटर, मतलब इसके अंदर कोई लेजर क्रिएट नहीं किया और न ही इसके अंदर कोई एंट्री की गई है। बिल्कुल फ्रेश कंपनी, नई कंपनी उन्होंने बना करके तैयार किया था, और नया खाता बनाना तो क्रिएट में जा करके लेजर, और यहाँ पर हमने उसका नाम लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सुशील कुमार, ये एक मालिक का खाता बनाना। सबसे पहले हमने क्या होता है, कंपनी क्रिएट करने के बाद में सबसे पहले इसके अंदर मालिक का खाता बनाया जाता है, भी मालिक ने कितने रुपए लगाए बिजनेस के अंदर, और उसके बाद में अपना स्टार्टिंग होती है सारी सारी। पहले अब मालिक बिजनेस में अमाउंट लगाता है, उसके बाद में परचेज, सेल, बैंकिंग, सारा सिस्टम, लेन देन होता है। जब तक मालिक बिजनेस में अमाउंट नहीं लगाता है, तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकता, उसको काम कैसे करेंगे अपने में, काम कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे पहले मालिक का लेजर बनेगा इसके अंदर, तो सुशील कुमार। अब हमारे को पता कैसे चलेगा कि जो हम लेजर बनाए ये मालिक का लेजर है या किसका लेजर होता है, ठीक। यहाँ पे अलाइस में क्या आ जाएगा, कई बार मालिक का शॉर्ट नेम भी होता है जैसे एस के होता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, उसका शॉर्ट नेम भी लिख देना है एस के, ठीक है। यहाँ पर अंडर, अब देखिए यहाँ पर किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये अंडर जो ये ग्रुप्स होते हैं ये बहुत मायने रखते हैं। अगर आप ये ग्रुप गलत डाल देते हो, तो किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपकी एंट्री नहीं होगी, और टैली के अंदर तो खास करके आप गलत एंट्री चढ़ा ही नहीं सकते। अगर आप गलत लेजर बना देते हो, उसका ग्रुप गलत डाल देते हो, तो आप किसी भी हाल में इसके अंदर एंट्रियाँ नहीं चढ़ा सकते। तो आप लोगों को ये कुछ ग्रुप्स जो दिए हैं सामने, 31 से जो 32 ग्रुप है ये जो दिए हैं, ये अपने को याद करने पड़ेंगे भी कौन सा ग्रुप किसके अंडर में आता है। तो अब यहाँ पे मालिक का अगर आपने खाता बनाया, तो इसकी पहचान क्या होगी, ये मालिक का खाता है। तो यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर यहाँ पे देखेंगे नीचे ऊपर है, यहाँ पे दिया हुआ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का मतलब होता है मालिक। तो यहाँ पे अगर अपने मालिक का खाता बना रहे, तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने मालिक की डिटेल आ जाएगी, उसका नाम क्या है, मालिक है कहाँ का, जैसे मैंने यहाँ पे डाला श्री विजयनगर का है मालिक भी, ठीक है दोस्तों। उसकी स्टेट आ जाएगी, उसकी कंट्री, उसका पिन कोड आ जाएगा, ठीक है। उसकी बैंकिंग डिटेल अगर आपने डालनी है तो यस कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं डालनी है, एक बार अपन इसको नो कर देते हैं, ठीक है। उसका पैन नंबर क्या है, तो पैन नंबर भी अपन डाल देते हैं, ठीक है। और वो कौन सी जीएसटी टाइप में आता है, रेगुलर में आता है, कंपोजिशन में आता है, अनलिस्टेड है, कौन सी जीएसटी टाइप में आता है, तो अपन यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट किया, और यहाँ पर मेरा जीएसटी नंबर आ जाएगा 08, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमने क्या कर देना है, इसको डिटेल जो यस कर लेंगे, और राजस्थान स्टेट सिलेक्ट होगी, और सेव कर देना हमने। अब हमारे कंपनी के अंदर जो क्या मालिक का खाता बन करके बिल्कुल तैयार है, ठीक है दोस्तों। अब हमें पता कैसे चलेगा भी हमारी कंपनी के अंदर मालिक का खाता बना है कि नहीं बना। तो अगर आपने ये चेक करना है मालिक का खाता बना है कि नहीं बना, तो हमने क्या करना है, अल्टर के अंदर जाएंगे,
और यहाँ से लेजर के अंदर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है भी जो हमने अभी खाता बनाया था वो कौन सा खाता बनाया था। इन किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर दो लेजर पहले से बने होते हैं ऑलरेडी, एक तो केस का जो हमें कभी भी किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बनाने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी ये बना होता है। दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये भी हमें किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक इन सॉफ्टवेयर के साथ में आते हैं, इनबिल्ट बने होते हैं। अभी हमने बनाया था सुशील कुमार के नाम से, ये जो मालिक का खाता था, और यहाँ पे ये जो एस के आ रहा है ये उसका शॉर्ट नेम था बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास शो हो रहा है ये किस नाम से कितने खाते आपने बनाए थे। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने सीखा लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है टैली के अंदर। अगर हम बिजी के अंदर करना चाहते हैं, फैक्टेक्स के अंदर करना चाहते हैं, तो मारे के अंदर करना चाहते हैं, तो टैली के अंदर अगर आप लेजर बनाना सीख चुके हैं तो किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार का लेजर बनाने के लिए या उसके अंदर काम करने में। सबसे पहले अपने क्या करना है, टैली सीखना है बिल्कुल जीरो से लेकर के हाई लेवल तक। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं, रेगुलर आप इन वीडियो को देखते हैं, तो आप बिल्कुल जीरो से लेकर के हाई लेवल तक टैली को सीख जाएंगे बिल्कुल मात्र कुछ ही वीडियोज़ के अंदर। आप लगभग 10 से 15 वीडियो के अंदर पूरी पूरी टैली सीख जाएंगे, यानी जीरो छोटा छोटा काम लेकर बड़ा सा बड़ा काम भी आप टैली के अंदर मात्र कुछ सेकंड्स के अंदर ही कर दोगे। यानी इसके अंदर अपने काम जो है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे किया जाता है, कम टाइम के अंदर काम ज़्यादा कैसे होते हैं, कितने शॉर्टकट का यूज़ करके अपने कैसे इसको आगे जल्दी जल्दी काम निपटा सकते हैं। तो आज की वीडियो हम देखा भी लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है और हमारे हमने कौन कौन सा लेजर बनाया वो कैसे चेक किया जाता है। तो आज की वीडियो हमने इतना ही जाना, आगे की वीडियो हम जानेंगे भी परचेज कैसे होता है, सेल कैसे होते हैं, सिंपल इसके अंदर एंट्रियाँ कैसे चलाई जाती है, मतलब मालिक ने कितने रुपए लगाए और वो रुपए बैंक के अंदर डाले तो कहाँ से कैसे डाले, कौन सी एंट्री हुई, किसी पर्टिकुलर पार्टी का लेजर चेक करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर अभी तक हमारे आपने कंपनी क्रिएट करना नहीं सीखा है तो हमारे जो पीछे वीडियो बनाई थी वो उस चीज़ को उस वीडियो को आप देखें जिससे आप कंपनी बनाना सीख जाएं। कंपनी अगर आप बनाना सीखें तो उसके बाद में हम सीखेंगे लेजर कैसे बनता है जो उस वीडियो में सिखाया गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।